हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं बिक्रम सिंह आप सभी लोगों का चंद्रा आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को बताया गया था कि हम लोग आरओ एआरओ का बैच स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में आप लोग को हमने लोगों ने बताया था कि 22 सितंबर से क्लास शुरू होगी, ठीक है। तो आज 22 सितंबर है, तो आज से हम लोग क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग का पहला क्लास है, तो हम आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे। जैसा कि आपको पता भी होगा, क्योंकि जब आपको हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन दिया था तो उसमें हम आप लोगों को बताए थे, ठीक है, कि हम आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे। तो आज हम आरओ एआरओ को देखते हुए हम रीजनिंग की शुरुआत करते हैं। तो उसमें एक चैप्टर है डाइस, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं होता है कि जहाँ उससे क्वेश्चन पूछा ना जाए। हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और शो रैंक पूछा जाता है, ठीक है। बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मैं आपको आरओ एआरओ के दृष्टिकोण से कोशिश से करूंगा कि आपको हम ऐसा पढ़ाएं कि जिससे आपको डाइस से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हम आपको प्रॉपर तरीके से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए डाइस के एक एक क्वेश्चन को समझाएं और हर कॉन्सेप्ट को पढ़ाएं, जिससे आपको दोबारा कहीं दूसरी जगह पढ़ने की जरूरत ना पड़े। बस एक बार आप हमारे ऊपर भरोसा करके हमारे क्लासेस को ज्वाइन करेंगे, देखते चलेंगे, ठीक है। और दावा करता हूँ, आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपको दोबारा डाइस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हर एक एक पॉइंट पर फोकस किया जाएगा, हर एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ठीक है। अगर कहीं भी थोड़ा भी बहुत डाउट होता है आपको कहीं समझने में, तो आप तुरंत बता देंगे कि सर यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ हमें कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, तो हम उसको तुरंत आपको समझाएंगे, ठीक है। तो चलिए, जैसा कि आपको पता है कि आज से हमारी क्लास शुरू हो रही है, ठीक है। तो हम आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे और सारे के सारे टीचर सब अपना जो जो सब्जेक्ट है सब अपना पढ़ाएंगे अच्छे से, ठीक है। आप एक बार इस टीम पर भरोसा जताइए, श्योरिटी है कि आप सिलेक्शन जरूर पाएंगे, ठीक है। एक बार आप जरूर भरोसा जताइएगा इस टीम पर, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं, अब शुरू करते हैं डाइस, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है डाइस, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, ठीक है। तो चलिए अब हम डाइस के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो आपको हम बता दें, आज डाइस से रिलेटेड बातें करते हैं, ठीक है। डाइस, डाइस को हिंदी में बोलते हैं पासा। डाइस को हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? पासा, ठीक है। अब देखो, डाइस जो होता है ना, अगर हम बात करें डाइस के बारे में, तो डाइस आपने देखा होगा, तो जनरली डाइस आपका लाइक एज अ क्यूब होता है, लाइक एज अ क्यूब, ठीक है भाई, ध्यान से देखेंगे सभी लोग, ठीक है। डाइस जो होता है वो लाइक एज अ क्यूब होता है, ठीक है। डाइस एक घन के आकृति के जैसा होता है, ठीक है। अब अगर मैं डाइस की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूं, तो देखो सबको पता है भाई, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं जानता है, लेकिन हम लिखा दे रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो जिससे उनको डाइस के बारे में सारा कॉन्सेप्ट पता हो, सारी बातें पता हो, ठीक है। तो देखो, डाइस जो होता है, अगर मैं बात करूं, तो एक पासे में टोटल 6 सरफेस होते हैं, एक पासे में टोटल 6 सरफेस होते हैं, एक पासे में टोटल 6 सरफेस होते हैं, ठीक। क्या मेरी बातें आ रही समझ में? एक पासे में टोटल कितने सरफेस होते हैं? 6 सरफेस होते हैं। अब देखो, अगर ये बात हमें समझना है कि एक पासे में टोटल कितने सरफेस होते हैं, तो इसको हम आपको दो फिगर से समझाते चलेंगे, ध्यान से देखेंगे। इसको हम आपको दो फिगर से समझाने का प्रयास करेंगे। मान लो एक फिगर ये हमने बना दिया और एक फिगर हम ये बना रहे हैं। इस दो फिगर से हम आपके सारे डाउट को क्लियर करेंगे। आप देखते चलेंगे, समझते चलेंगे, ठीक है।
ये दो फिगर है, इसी दो फिगर से हम आपका डाइस का जो भी प्रॉपर्टीज लिखाएंगे उस प्रॉपर्टीज को समझाते चलेंगे, जिससे आपका हर प्रकार का जो डाउट हो वो क्लियर होता चले, ठीक है। तो चलिए अब देखो, अगर हमने जो बताया कि डाइस में टोटल 6 सरफेस होते हैं, तो देखो ये 6 सरफेस मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो देखो ये 6 सरफेस है कहाँ से, तो ये कलर, हाँ कलर, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे सभी लोग, देखो अब ये मान लो ये आपका टॉप है, ठीक, ये आपका टॉप हो गया, अब ये आपका बॉटम हो गया, ठीक बॉटम। अब देखो भाई ये आपका फ्रंट हो गया, ओके। अब देखेंगे, अब ये आपका देखो बैक हो गया, ये आपका बैक हो गया, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, तो ये आपका राइट हो गया और ये आपका लेफ्ट हो गया, ठीक। तो जरा ध्यान से देखें, आपको टोटल 6 सरफेस दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि एक पासे में टोटल 6 सरफेस होते हैं, ये देखो 6 सरफेस मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया, आप इसको काउंट कर लेंगे तो आपको 6 सरफेस दिखाई देगा, ठीक। बताओ भाई समझ में आ रहा है ना, तो आपको टोटल यहाँ 6 सरफेस दिखाई दे रहा है। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं, अगला पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। तो देखो अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट समझिएगा भाई। अब अगर मैं बात करूं एक सरफेस की, ठीक है, आप कहोगे सर एक सरफेस के, एक सरफेस के, सरफेस सरफेस मतलब सतह होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक सरफेस के, एक सरफेस के चार पड़ोसी, चार पड़ोसी, पड़ोसी को इंग्लिश में एडजेसेंट कहते हैं, आप लोग लिखते रहेंगे। एक सरफेस के चार पड़ोसी सतह, चार पड़ोसी सतह और एक विपरीत सतह होता है, एक विपरीत सतह होता है, होता है, ठीक। मैंने आपको क्या बताया कि एक सरफेस के चार पड़ोसी सतह और एक विपरीत सतह होता है, ठीक है। अगर कभी भी आप पासा देखेंगे, डाइस देखेंगे, तो उस डाइस के किसी भी सरफेस को अगर आप देखोगे तो उसके 4 एडजेसेंट सरफेस एंड 1 अपोजिट सरफेस आपको दिखाई देंगे। आइए हम उसको दिखाने का प्रयास करते हैं कि ये 4 एडजेसेंट और 1 अपोजिट कहां से आया। ध्यान से देखिएगा भाई सभी लोग, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। अब ये देखिएगा, अब आप कहोगे सर ये टॉप और फ्रंट क्या है, एडजेसेंट है। ये देखिए फ्रंट और राइट ये क्या है, एडजेसेंट है। ये देखिए फ्रंट और बॉटम क्या है, एडजेसेंट है। ये देखिए फ्रंट और लेफ्ट क्या है, एडजेसेंट है। तो देखो इस फ्रंट के आपको 4 एडजेसेंट दिखे कि नहीं दिखे, बताओ भाई 4 एडजेसेंट दिखे कि नहीं दिखे। तो इस फ्रंट के आपको 4 एडजेसेंट दिख रहे हैं, ठीक है, तो 4 एडजेसेंट हो गए। अब देखिएगा, लेकिन ध्यान से देखेंगे, लेकिन क्या इस फ्रंट का एडजेसेंट ये बैक हो पा रहा है, तब आप कहोगे सर इस फ्रंट का एडजेसेंट बैक नहीं हो पा रहा है, बैक क्या हो रहा है, बैक उसका अपोजिट हो रहा है। तो वही चीजें मैंने बताया आपको, लिखाया कि एक सरफेस के 4 पड़ोसी मतलब 4 एडजेसेंट सरफेस और वह एक विपरीत, तो 1 अपोजिट सरफेस होता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक। अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है जरा इसको देखिएगा भाई सब लोग, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है एक पासे में टोटल 8 कॉर्नर होते हैं, कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर, 8 कॉर्नर मतलब कोना, ठीक है। एक पासे में टोटल 8 कॉर्नर होते हैं, 8 कोना होते हैं, 8
कोना होता है, ठीक है। एक पासे में टोटल कितना कोना होता है मेरे दोस्त? तब आप कहोगे सर एक पासे में टोटल 8 कोना होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, वो 8 कोना हम आपको काउंट कराने का प्रयास करते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब इस फिगर का मैं यूज कर रहा हूं ये कोना आपको काउंट कराने के लिए। तो ध्यान से देखेंगे, एक कोना ये है, दूसरा कोना ये है, तीसरा कोना ये है, चौथा कोना ये है, पांचवा कोना ये है, छठा ये है, सातवां ये है, आठवां ये है, ठीक है। तो आपने देखा कि एक पासे में टोटल कितने कोने होते हैं, तब आप कहोगे सर एक पासे में टोटल 8 कोना होता है, और वो 8 कोना हमने आपको काउंट करके दिखा दिया और फिगर से भी समझा दिया, ठीक है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अगर कहीं भी थोड़ा बहुत भी समझने में प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि सर यहाँ समझने में प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। तो आज हम लोग का ARO से रिलेटेड एक पहली क्लास है, ठीक है, पहला वीडियो बनाया जा रहा है। अगर कहीं भी थोड़ी बहुत त्रुटियां होंगी तो उसको भी आप बताइएगा, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन फील्ड पर हम लोग पहली बार आ रहे हैं। अगर कहीं भी थोड़ी बहुत कमी होती है तो आप अपना सुझाव जरूर देंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया, अब अगला पॉइंट देखते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे सभी लोग। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त कोना के बनने में, तो देखो भाई अगर मैं आपसे बात करूं तो ये है कि एक कोना के बनने में, एक कोना के बनने में तीन सतह का यूज होता है, ठीक है। एक कोना के बनने में कितना सतह यूज होता है मेरे भाई? तब आप कहोगे सर एक कोना बनने में 3 सतह का यूज होता है। तो आइए हम उसको क्लियर करते हैं, ठीक है, ध्यान से सभी लोग देखेंगे। अब हम इसको क्लियर करते हैं कि एक कोना बनने में कितने सतह का यूज होता है, ठीक है। तो जरा ध्यान से सभी लोग देखिएगा, अब ये देखो भाई ये कोना है, ठीक है, अब ये कोना है, तो जरा ध्यान से देखिएगा इस कोना के बनने में ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस जब आके मिलता है तभी तो ये कोना का निर्माण होता है, ठीक है, तभी तो ये कॉर्नर बनता है। तो यही बात मैंने आपको लिखाया कि एक कोना के बनने में 3 सतह का यूज होता है, 3 सरफेस का यूज होता है, ठीक है। तो देख सकते हैं एक कोना जब 3 सतह मिलता है तभी जाके बनता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि एक कोना के बनने में 3 सतह का यूज होता है। इसको और आगे ऐसे ऊपर लेके जा सकते हैं स्लाइड, ठीक है, तो मतलब दूसरे पेज चलना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो भाई ये बात समझ में आ गया कि एक कोना के बनने में 3 सतह का यूज होता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अब अगला पॉइंट ध्यान से देखेंगे भाई, अगला पॉइंट ये है कि एक पासे में टोटल 12 एजेज होते हैं, ठीक है, 12 एजेज होते हैं, एजेज बोले तो किनारा, ठीक। एक पासे में टोटल 12 एजेज होते हैं, एजेज मतलब किनारा, कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि एक पासे में टोटल कितना किनारा होता है मेरे दोस्त? 12 किनारा होता है। एक पासे में टोटल 12 किनारा होता है, 12 किनारा होता है, ठीक है। तो चलिए अब 12 किनारा होता है इसको समझाने के लिए हम आपको एक बार फिर से यहां फिगर बना दे रहे हैं, यहां से समझिएगा, ठीक है। अब समझिएगा भाई, सॉरी ये वाला फिगर नहीं बनेगा, दूसरा फिगर से हम समझाते हैं, इस फिगर से नहीं, इस फिगर से समझिए, इस फिगर से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सॉरी फिर से, ये फिगर बना लो, अब ध्यान से देखेंगे, अब आपको दिखाई देगा 12 किनारा। चलिए अब हम इसका यूज करके आपको 12 किनारा दिखाते हैं। तो ध्यान से देखो, अब आप देखोगे एक किनारा ये है, ठीक है,
अब देखोगे, ध्यान से देखेंगे तो एक किनारा आपको ये दिखाई दिया, दूसरा किनारा आपको ये दिखाई दिया, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां, बारहवां। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि एक पासे में टोटल कितने किनारे हुए, टोटल 12 किनारे हुए। तो देखो मैंने यही बात लिखा है कि एक पासे में टोटल 12 किनारे होते हैं और उसको मैंने इस फिगर से गिनकर आपको दिखा भी दिया। ठीक है, तो देख लो इस प्रकार से टोटल 12 किनारे होते हैं। ठीक है, अब अगर हम अगली बात करें, अगला पॉइंट देखें, तो अगला पॉइंट ये है कि एक किनारा के बनने में, एक किनारा के बनने में दो सतह का योज होता है। एक किनारा के बनने में दो सतह का योज होता है, दो सतह का योज होता है, एक किनारा के बनने में दो सतह का योज होता है। तो आप देख पा रहे होंगे कोई भी किनारा ले लो भाई, कोई भी किनारा। ठीक है, तो आप देखेंगे कोई भी किनारा अगर हमें बनाना है तो उसमें आप देख पा रहे होंगे दो सरफेस का यूज होगा। देखो अब जैसे ये किनारा है, ठीक है, अब एक किनारा तभी बना होगा जब ये फ्रंट वाला सरफेस और जब ये राइट वाला सरफेस आके यहां मिला होगा तभी तो ये किनारा बनेगा। जब ये फ्रंट वाला सरफेस जब इस राइट वाले सरफेस से आके मिलेगा तभी तो किनारा बनेगा। बताओ भाई, तभी तो किनारा बनेगा। तो ये बातें हैं, ठीक है। तो हमने वही बात आपको लिखाया कि एक किनारा के बनने में दो सतह का यूज होता है, मतलब दो सरफेस का यूज होता है। ठीक है, क्या मेरी बातें आ गई समझ में? बताओ भाई, क्लियर है पूरा कॉन्सेप्ट? तो ये कुछ पॉइंट था, आप उसको समझ लो, अच्छे से लिख लो, डाउन कर लो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी बातें आपको मेरी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं डाइस के प्रकार की। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखेंगे भाई, डाइस के प्रकार की अगर हम बात करें तो देखो, डाइस के प्रकार की अगर हम बात करें तो देखो भाई, डाइस तो मेरे दोस्त, डाइस दो प्रकार का होता है। डाइस कितने प्रकार का होता है? डाइस दो प्रकार का होता है। एक जो होता है वह आपका होता है स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस, और दूसरा जो होता है वो देखेंगे आप तो दूसरा होता जो है वह होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ठीक, अगर हम बात करें स्टैंडर्ड डाइस को तो देखो भाई, स्टैंडर्ड डाइस का जो हिंदी होता है, ये जरा ध्यान से देखेंगे तो स्टैंडर्ड डाइस का हिंदी होता है मानक पासा। ठीक, और नॉन स्टैंडर्ड डाइस की जो हिंदी होती है वो जरा ध्यान से देखेंगे तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस की जो हिंदी होती है वह होती है साधारण पासा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डाइस की हिंदी मानक पासा होती है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस की हिंदी साधारण पासा होती है। तो इस प्रकार से आपको ये मालूम हो गया कि डाइस कितने प्रकार का होता है। डाइस दो प्रकार का होता है, एक डाइस आपका स्टैंडर्ड होता है और एक डाइस आपका नॉन स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड डाइस को हिंदी में हम मानक पासा बोलते हैं और नॉन स्टैंडर्ड डाइस को हम हिंदी में साधारण पासा बोलते हैं। अब देखो, अब जब कोई भी चीज एक से अधिक भागों में डिवाइड होता है ना मेरे दोस्त, तो उसको समझना होता है, उसको पहचानना होता है, क्योंकि एग्जाम में तो ये एग्जामिनर बता के देगा ना कि आपका स्टैंडर्ड डाइस है या आपका नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, ये आपको पहचानना होगा। तो बताओ कैसे पहचानोगे? तो उसका पहचान तो आपको आना चाहिए। तो आइए हम उसकी पहचान को सीखते हैं, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा डाइस, कौन सा फिगर हमारा स्टैंडर्ड डाइस का है और कौन सा डाइस या कौन सा फिगर हमारा नॉन स्टैंडर्ड डाइस का है। तो आइए हम उसकी पहचान को समझते हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे सब लोग, बहुत ध्यान से देखिएगा, हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करेंगे, ये दावा है। ठीक है,
तो ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं स्टैंडर्डाइज, तो जरा ध्यान से देखो भाई, अगर मैं बात करूं पासे की, तो अब आप कहोगे सर एक पासे में टोटल 6 सरफेस होते हैं, एक पासे में टोटल 6 सरफेस होते हैं, और उस 6 सरफेस में अगर हम बात करें तो उसमें टोटल 3 अपोजिट पेयर होते हैं, 3 अपोजिट पेयर्स होते हैं। कितने अपोजिट पेयर्स होते हैं? 3 अपोजिट पेयर्स। तो आइए पहले हम उस 3 अपोजिट पेयर को देखते हैं। तो जरा ध्यान से देखेंगे सब लोग 3 अपोजिट पेयर का। तो अब आपको कि सर एक अपोजिट पेयर देखो, ये टॉप और ये बॉटम। तो अब आपको कि सर एक अपोजिट पेयर हमें मिल गया टॉप, और टॉप का अपोजिट क्या होगा मेरे दोस्त? तब आपको कि सर टॉप का अपोजिट बॉटम होगा। देखो ये पहला अपोजिट पेयर मिला, दूसरा अपोजिट पेयर जरा देखो भाई, दूसरा अपोजिट पेयर। अब आप कहोगे सर ये हमारा फ्रंट है, इस फ्रंट का अपोजिट क्या होगा? बैक। तब आप कहोगे सर दूसरा अपोजिट पेयर ये मिल गया, फ्रंट का अपोजिट क्या होगा? आप कहोगे सर बैक होगा। फ्रंट का अपोजिट क्या होगा मेरे दोस्त? बैक होगा। अब देखिएगा तीसरा, तो अब आप तीसरा जब देखेंगे तो तीसरा देखो, ये आपका राइट है और ये आपका लेफ्ट है। तो अब आप कहोगे सर तीसरा अपोजिट पेयर हमें क्या देखने को मिला? राइट, और राइट का अपोजिट क्या होता है? लेफ्ट। ठीक है, ये तीन अपोजिट पेयर हैं, तीन अपोजिट पेयर हैं। अगर मैं इस तीनों अपोजिट पेयर के बारे में बात करूं तो ध्यान से देखेंगे, अगर मुझे इनको स्टैंडर्डाइज बनाना है तो जरा ध्यान से देखिएगा कि तीनों अपोजिट पेयर के नंबर के बीच क्या रिश्ता होता है, ये चीज देखिएगा। अब जैसे देखो, अगर मैं टॉप पर 1 लिखूं और बॉटम पर 6 लिखूं, ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिएगा, जब मैंने टॉप पर 1 लिखा बॉटम पर 6 लिखा, ठीक है, अब मान लो कि मैंने राइट पर 4 लिख दिया और लेफ्ट पर 3 लिख दिया, ठीक है, तो देखो राइट पर 4 और लेफ्ट पर 3। अब जरा देखो, जैसे मान लो कि मैंने फ्रंट पर लिख दिया 5 और बैक पर लिख दिया 2, तो फ्रंट पर 5 और बैक पर 2। तो जरा देखो भाई, अगर मैं इन तीनों अपोजिट पेयर के नंबर को जोड़ूं तो देखो जोड़ने पर क्या मिल रहा है? तब आपको कि सर 1 + 6 = 7, 5 + 2 = 7, 4 + 3 = 7, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखो भाई, यहां आप क्या देख पा रहे हैं, यहां तीनों अपोजिट पेयर का सम क्या हो रहा है? 7 हो रहा है। तीनों अपोजिट पेयर का सम क्या हो रहा है? 7 हो रहा है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, यहां से आपको यह समझ आ गया कि स्टैंडर्डाइज हम उनको कहते हैं जिनके तीनों अपोजिट पेयर के सम क्या हो जाएं? 7 हो जाएं। ध्यान से सुनिए, किसी एक अपोजिट का सम नहीं, तीनों अपोजिट पेयर का सम 7 होना चाहिए, तब हम उनको स्टैंडर्डाइज बोलते हैं, ठीक। तो देखो लिख लो भाई, पहचान लिख लो इनका यार, अब पहचान समझ जाओ, पहचान। तो पहचान क्या है? तब आप कहोगे सर पहचान ये है स्टैंडर्डाइज का कि, ध्यान से देखिएगा, पहचान ये है स्टैंडर्डाइज का कि तीनों तीनों अपोजिट, तीनों अपोजिट पेयर्स, तीनों अपोजिट पेयर्स का सम 7 होता है। तीनों अपोजिट पेयर का सम क्या होता है? 7 होता है, ठीक। ये स्टैंडर्डाइज की पहचान है मेरे भाई, ध्यान से देख लो, समझ जाओ अच्छे से, क्योंकि इनको मैंने जानबूझकर स्टैंडर्डाइज बनाया था। तो स्टैंडर्डाइज में मैंने एक रिलेशन निकाल कर आपको दिखाया कि रिलेशन ये निकला कि एक पासे में 3 अपोजिट पेयर होते हैं और तीनों अपोजिट पेयर का जो सम होता है वह 7 के बराबर होता है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं मैंने वही लिखा, मानक पासा का जो पहचान होगा वो पहचान क्या होगा? इनके तीनों अपोजिट पेयर का सम क्या होगा? 7 होगा। अब आपको
करोगे सर, इसका मतलब ये है कि अगर हमें कभी भी स्टैंडर्डाइज पहचानना होगा तो स्टैंडर्डाइज पहचानने के लिए जरूरी यह होगा कि जो पासा है उसके जो 6 सरफेस होते हैं, हर सरफेस के नंबर हमें मालूम होंगे। ठीक है, हमें क्या होने चाहिए, मालूम होने चाहिए, तभी हम उनके सम को 7 चेक कर पाएंगे। अगर हमें सारे सरफेस के नंबर नहीं मालूम होंगे तो हम कैसे उनके सम 7 के बराबर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हम उनको कैसे समझ पाएंगे। ठीक है, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, ये अपने दिमाग में एक बात बैठा लीजिए, सेट कर लीजिए कि अगर हमें स्टैंडर्डाइज पहचानना है तो स्टैंडर्डाइज पहचानने के लिए हमें यह मालूम होना चाहिए कि उस पासे के टोटल जो 6 सरफेस होते हैं, हर सरफेस पे कौन कौन सा नंबर लिखा है। ठीक है, तो हर सरफेस के जब नंबर मालूम होंगे तभी हम स्टैंडर्डाइज को डिसाइड मतलब डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्डाइज डिफाइन करने के लिए हमें उनके अपोजिट पेयर का सम 7 देखना होगा, 7 चेक करना होगा। ठीक है, क्या मेरी बातें आ गई समझ में, बताओ भाई। तो ये है मानक पासा स्टैंडर्डाइज की पहचान। तो आइए हम बात करते हैं नॉन स्टैंडर्डाइज की। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं नॉन स्टैंडर्डाइज की। ठीक है, तो नॉन स्टैंडर्डाइज में जरा ध्यान से देखेंगे भाई, पहले इनको भी हम फिगर से समझाते हैं। ध्यान से देखो, अगर हम इस पासे को जानबूझकर, देखो जानबूझकर क्या कर रहे हैं, नॉन स्टैंडर्ड बना रहे हैं। अब जैसे मान लो इस पे 6 लिख दिया गया, इस पे 1 लिख दिया गया, इस पे 2 लिख दिया गया। ठीक है, अब देखो ये सारे के सारे ना एक दूसरे के पड़ोसी हैं, एक दूसरे के एडजेसेंट हैं। अब अगर हम इनको जोड़ें, सारे एडजेसेंट को जोड़ें, तब आप कहोगे सर पहला एडजेसेंट पेयर 6+1 7, दूसरा एडजेसेंट पेयर 6+2। ठीक है, एडजेसेंट पेयर को जोड़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, सारे एडजेसेंट पेयर को जोड़ रहे हैं, 6+1 7, 6+2 8। ठीक है, और 2+1 3। ठीक है, तो मेरे भाई मेरे दोस्त जरा ध्यान से देखेंगे, जब हम सारे जो यहां 3 एडजेसेंट पेयर दिखाई दे रहे हैं, अगर मैं तीनों एडजेसेंट पेयर को जोड़ूं और उनमें किसी भी एक एडजेसेंट पेयर का सम 7 हो जाए तो वह डाइस हमारा नॉन स्टैंडर्डाइज होगा। वह डाइस हमारा कैसा होगा, नॉन स्टैंडर्डाइज होगा। तब आप कहोगे सर हमें नॉन स्टैंडर्ड की भी पहचान समझ में आ गई, तो इसका पहचान क्या होगा, तब आप कहोगे सर पहचान ये होगा, इसका पहचान ये होगा कि किसी भी एक एडजेसेंट, किसी भी एक एडजेसेंट पेयर का सम 7 हो तो वह डाइस नॉन स्टैंडर्ड डाइस कहलाती है। वह डाइस नॉन स्टैंडर्ड डाइस कहलाती है। बताओ भाई क्या इतनी बातें आ गई समझ में। स्टैंडर्ड डाइस नॉन स्टैंडर्ड डाइस की पहचान हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइज हम किनको कहते हैं, तो आप कहोगे सर स्टैंडर्डाइज हम इनको कहते हैं जिनके तीनों अपोजिट पेयर का सम 7 होता है। नॉन स्टैंडर्ड किसको कहते हैं, तब आप कहोगे सर नॉन स्टैंडर्ड में किसी भी एक एडजेसेंट सरफेस का सम 7 हो जाए तो वह हमारा क्या होगा, नॉन स्टैंडर्ड होगा। ठीक है, तो बताओ भाई स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड आपको समझ में आ गया। तो अगर समझ में आ गया तो अब हम आपको कुछ फिगर दे रहे हैं, उस फिगर का आप आंसर करेंगे, आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा हमारा डाइस स्टैंडर्ड है कि कौन सा डाइस हमारा नॉन स्टैंडर्ड है, उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, जब हम देखेंगे कि आप लोग का आंसर सही आ रहा है सब कुछ, तो हम क्या करेंगे, फिर हम आगे कॉन्सेप्ट को और पढ़ाएंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जितने भी हम फिगर बना के आपको दे रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करना है कि हमारा डाइस किस प्रकार का है। आप इनको आइडेंटिफाई करके बताएंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तो फिर हम इनको आपको बताएंगे कि सही है कि गलत है। अब जैसे मान लो ये 6 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड हम दे रहे हैं आपको, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया,
ये थ्री हो गया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जैसे दे दिया गया आपको, तो ये आपका मान लो 5, अब ये मान लो आपका 4, ये मान लो आपका 1, ठीक है। अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि ये जो तीन हमने फिगर बना के आपके सामने दिया है, जो तीन डाइस दिया है, अब इस तीन डाइस में अगर हम आपसे पूछें कि कौन सा हमारा स्टैंडर्ड है और कौन सा हमारा नॉन स्टैंडर्ड है, तो आप कैसे इनको बताएंगे, आप कैसे बताएंगे, बताओ भाई। अब आप इनको आइडेंटिफाई फटाफट करके आप लोग बताएंगे, ठीक है। आप लोग आइडेंटिफाई करो भाई, फटाफट इनको आइडेंटिफाई करो कि कौन सा डाइस हमारा स्टैंडर्ड है और कौन सा डाइस हमारा नॉन स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर दिया होगा। तो चलिए अब हम बताते हैं, तो ध्यान से देखेंगे। देखो अब आप कहोगे सर हमें यहाँ 6+1 7 मिल गया, देखो इस फिगर में हमें 6+1 7 मिल गया। अब आप कहोगे सर यहाँ हमें पड़ोसी का योगफल 7 मिल रहा है, तो आपने बताया था कि जब पड़ोसी का योगफल 7 होगा तो वह डाइस हमारा नॉन स्टैंडर्ड डाइस होगा, वह डाइस हमारा नॉन स्टैंडर्ड डाइस होगा, वह डाइस हमारा कैसा होगा, नॉन स्टैंडर्ड डाइस, ठीक। तो इसका मतलब है कि ये फिगर हमारा कैसा है, अब आप बोलोगे सर ये फिगर हमारा नॉन स्टैंडर्ड है, ठीक। क्यों? क्योंकि यहां देखो एक पड़ोसी का योगफल 7 दिख गया, ठीक है, किसी भी एक का दिखना चाहिए। तो एक पड़ोसी का योगफल अगर 7 दिख गया तो आप तुरंत बता दीजिएगा कि यह डाइस हमारा नॉन स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब जरा यहां देखो, अब आप कहोगे सर यहां भी 5+2 हमें 7 दिख गया, 5+2 7। अब जब ये 7 हो गया तो मेरे भाई तुरंत आप इसको बता देंगे कि ये हमारा जो डाइस है ये हमारा डाइस नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है। ये हमारा डाइस कैसा है, नॉन स्टैंडर्ड है। क्यों? क्योंकि पड़ोसी का योगफल कभी भी 7 दिखे तो तुरंत आप उसको नॉन स्टैंडर्ड बता देंगे, ठीक है। लेकिन अब आपको बताना है कि ये वाला जो हमारा फिगर है, ये वाला जो हमारा डाइस है, ये डाइस हमारा कैसा डाइस है, अब इसको आपको बताना है कि ये हमारा जो डाइस है ये कैसा डाइस है, बताओ भाई ये वाला डाइस कैसा है, ठीक है। अब देखो बहुत से लोग क्या गलती करेंगे, अब ये देखेंगे कि यहां जब पड़ोसियों का योगफल 7 नहीं हो रहा है तुरंत ये बता देंगे कि ये डाइस सर स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है, ये डाइस कैसा है, स्टैंडर्ड डाइस है, तुरंत लोग बता देंगे कि ये डाइस स्टैंडर्ड है। लेकिन मेरे भाई मेरे दोस्त ये गलत है, ठीक है, ये क्या है, ये गलत है, ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस हम तभी डिफाइन कर पाएंगे जब हमें पासे के सारे सरफेस के नंबर मालूम हो। अब बताओ भाई इसकी कौन सी गारंटी है, इसकी कौन सी श्योरिटी है कि 4 के अपोजिट 3 ही लिखा गया होगा, बताओ क्या इसकी कोई श्योरिटी है कि 4 के अपोजिट 3 ही लिखा है। अब आप कहोगे सर 4 के अपोजिट वो तीनों नंबर हो सकते हैं जो तीनों नंबर हमें 1 से लेकर 6 तक में दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि 4 का अपोजिट 3 ही लिखा गया है, तो हम कैसे बता दें कि इनके अपोजिट पेयर का सम 7 होगा। तो मेरे भाई मेरे दोस्त मैंने स्टैंडर्ड डाइस में यही कांसेप्ट आपको समझाया था कि स्टैंडर्ड डाइस अगर पहचानना होगा तो स्टैंडर्ड डाइस पहचानने के लिए उनके सारे सरफेस के नंबर हमें मालूम होने चाहिए, तभी हम उनके योगफल को चेक कर पाएंगे कि वह 7 के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरी बातें आई समझ में। तब आप कहोगे सर यहाँ सारे सरफेस के नंबर नहीं मालूम है इसलिए हम इनको स्टैंडर्ड डाइस डिफाइन नहीं कर पाएंगे, और यहाँ पड़ोसियों का योगफल 7 नहीं हो रहा है तो इसलिए इनको हम नॉन स्टैंडर्ड भी नहीं कर पाएंगे। तो मेरे भाई मेरे दोस्त अब ये जो फिगर है इस फिगर का आंसर हम बताएंगे कि या तो ये स्टैंडर्ड होगा, इधर स्टैंडर्ड आर नॉन स्टैंडर्ड, ठीक है, इधर स्टैंडर्ड आर नॉन स्टैंडर्ड, ठीक है, मेरी बातें आई समझ में। या तो ये हमारा जो पासा है ये स्टैंडर्ड होगा, या तो ये हमारा जो पासा है वो नॉन स्टैंडर्ड होगा, क्योंकि ये किसी भी शर्त को पूरा नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ हम स्टैंडर्ड डाइस भी नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं और नॉन स्टैंडर्ड डाइस भी नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं, तो इनके दोनों में से किसी भी एक के होने के चांस होंगे, ठीक है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त हम उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है।
तो बस आज के लिए मैं इतना ही रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको इतनी बातें मेरी समझ में आ गई होंगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, सर बिल्कुल मेरी मतलब बिल्कुल सारा कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो मैं फिर जब अगली क्लास लूंगा तो फिर इसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस मैं इतना ही रख रहा हूँ, ओके, थैंक यू, बाय बाय। अगर क्लास आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना।